बैठो भाई, किस टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे, कैसे चलें अपन, कैसे शुरुआत कैसे करें? तो बेसिकली मेरे को लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ही सब कुछ क्लटर्ड है. क्लटर्ड का मतलब बहुत ही सब कुछ रायता फैला हुआ है इधर से उधर. और मुझे ये भी लगता है कि हर चीज़ में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए. कोई भी चीज़ की हम लर्निंग कर रहे हो या कोई भी चीज़ हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो हर चीज़ स्ट्रक्चराइज होनी चाहिए. स्ट्रक्चराइज मतलब हर चीज़, स्ट्रक्चर ब्रिंग्स ग्रेटनेस. ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, बट आई कांट रिमेंबर इट नाउ. बट स्ट्रक्चर ब्रिंग्स ग्रेटनेस. एंड व्हाट आई थिंक इज कि हमें बेसिकली पेन एरियाज को टारगेट करना चाहिए. फिटनेस इंडस्ट्री में कितने पेन एरियाज हैं और हम क्या हिला सकते हैं, तुझे क्या लगता है? सही बात है. अगर अपन यहाँ बैठे ही हैं तो शुरुआत करने का अच्छा पॉइंट ये होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है फिटनेस इंडस्ट्री में और उनमें से कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. Exactly. क्योंकि अगर जिस प्रॉब्लम हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं उस पर टाइम लगाएंगे तो एकदम फिजूल की बात हो जाएगी. सर, तो तुझे क्या लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री के अभी पेन एरियाज क्या हैं? व्हाट शुड बी टारगेट ऑन राइट नाउ? तो भाई मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिटनेस इंडस्ट्री में अभी है रेगुलराइजेशन का दिक्कत, मतलब लैक ऑफ रेगुलराइजेशन. बेसिकली हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये होता है कि कोई भी बंदा अगर फिट है और मुझे फिट होना है तो मैं उसकी एडवाइस सुनूंगा, क्योंकि उसको पता होगा वो फिट कैसे हुआ है. अगर इसकी बॉडी है तो उसे पता होगा कि उसकी बॉडी कैसे बनी है. इसी तरह कोई बंदी फिट है और अगर कोई बंदी स्ट्रगल कर रही है फिटनेस में, तो शी विल लिसन टू दैट गर्ल जिसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी है. बट होता क्या है, जो लोग फिट हैं, जो लोग जिन लोगों की बॉडी है, दे माइट नॉट रियली नो द साइंस बिहाइंड फिटनेस. दे माइट नॉट नो द ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन प्रिंसिपल दैट गोज इनटू इट. और ये इस टाइप की बात है कि कोई अमीर बच्चा है तो आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि यार बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं. क्योंकि हो सकता है कि वो बस एक अमीर घराने में पैदा हुआ हो. Agreed. या फिर उसने कुछ अनफेयर मींस हो सकता है यूज किया. Exactly. तो बेसिकली अच्छी बॉडी होना इज नॉट अ गुड सबूत ऑफ हैविंग द नॉलेज टू टेल यू हाउ टू बिल्ड अच्छी बॉडी. एंड आई वुड लाइक टू ऐड मोर इनटू इट. जैसे तूने बोला, बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि लैक ऑफ रेगुलेशन है. एंड उसी बात में बोलना चाहूंगा कि एंट्री क्राइटेरिया बिल्कुल ही जीरो है. और उसके भी बहुत सारे उसके पीछे रीजंस हैं. पहली बात तो सर्टिफिकेशंस फेक बिक रहे हैं. हमने कितने ज्यादा देखा, एक्सपोजिंग फेक फिटनेस वाले की बंदे के पेज पे देखा है कि सर्टिफिकेशंस फेक बिक रहे हैं. कितने का मिलता है वैसे एक फेक सर्टिफिकेट? नो फकिंग आईडिया. नो फकिंग आईडिया, बट आई वुड लाइक टू पे फॉर वन. सो सर्टिफिकेशंस फेक बिक रहे हैं. बॉडी कैसे भी बन रही है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडी बनाना आसान है. मे बी बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं बॉडी में, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं बॉडी बनाने में, बट बॉडी भी जेनेटिक्स का खेल है और स्टेरॉइड्स का खेल है, तो बॉडी भी कैसे भी बन सकती है. एक और बात मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि हर इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ लॉज होते हैं. जैसे फूड इंडस्ट्री के कुछ लॉज हैं, दे हैव FSSAI, राइट, एंड दे हैव देयर लॉज टू गेट इन द इंडस्ट्री. कोई भी अपनी फूड इंडस्ट्री में ऐसी पहचान नहीं बना सकता बिना उस लॉ के सर्टिफाई हो. बट अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं. अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो किसी को सर्टिफाई करे. सर्टिफिकेशन हैं, फेक बिक रहे हैं. बट ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, कैनेडा में एंड US में, स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं जहाँ पे वो उनको सर्टिफाई करते हैं. एंड दैट माइट ब्रिंक व्हाट आई थिंक इज थोड़ा सा लेवल क्लियर हो सकता है. जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे हल्का सा लेवल क्लियर हो सकता है. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. तो बेसिकली अगर किसी की बॉडी है या किसी के पास सर्टिफिकेशन है तो इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इससे कि उसको कितनी नॉलेज है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के. फिटनेस बेसिकली किन तीन चीजों पे आ जाती है? ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी. रिकवरी पार्ट मैं बीच में बोलना चाहूंगा. आई एम सॉरी आई ब्रोक यू इन बिटवीन, बट रिकवरी पार्ट मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है. और ये कोई भी बात नहीं करता रिकवरी के बारे में. सब बोलते हैं स्लीप, दैट्स इट, स्लीप. बट स्लीप तो बहुत ही बड़ा पार्ट है, ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा पार्ट है. बट बहुत कुछ ज्यादा रिकवरी के अंदर, आप ट्रेन कितना कर रहे हो, आपके अदर लाइफ में स्ट्रेसेस क्या हैं, मे बी आप स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा खेल रहे हो और जिम में भी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, वो कोई बात नहीं करता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है. मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता है. और स्ट्रेस भी, एवरी स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस, इट कैन बी सोशियोलॉजिकल, एग्जैक्टली, कैन बी साइकोलॉजिकल, एग्जैक्टली, जिम में हो सकता है, बहुत बहुत सही. स्ट्रेसेस बहुत टाइप के होते हैं. मे बी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेक होगा, ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है. मे बी आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है. भाई गर्लफ्रेंड नहीं हो तो वो भी स्ट्रेस है. और वो तो भी स्ट्रेस. आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस, कम ऑन टू द सेकंड टॉपिक व्हिच इज लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. व्हिच इज हमें किसी चीज का ऑर्डर नहीं पता कि हमें किस किस चीज पे इंपॉर्टेंस देनी है, किस किस चीज पे फोकस करना है. दैट इज अगेन मेजरिंग इनटू माइनर्स. बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे हम फोकस करते हैं. इसका एग्जाम्पल तू दे सकता है? कोई एग्जाम्पल तेरे माइंड में आ रहा है? हाँ, तो ज्यादातर यार जिम में लोग फंसे रहते हैं छोटी छोटी बातों में कि दो सेट्स के बीच में कितना रेस्ट लूं. तो क्या ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर आप फंसे, या फिर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिनको आपको पहले सेटल करना चाहिए? तो ये उस टाइप की बात हो गई कि कोई एग्जाम देना अपने को 100 नंबर का है,
80 के ऊपर लाने हैं, 80 के ऊपर अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। तो अगर 10 चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें, तो शुरू के अगर 4 चैप्टर्स में से 80 नंबर का पेपर आना है, तो आप पहले वो 4 चैप्टर पढ़ेंगे या आखिरी के 6 चैप्टर पढ़ेंगे जो 2-2 नंबर के? एग्जैक्टली, है ना। ये 12th में भी हुआ था अपने साथ, कि बहुत लास्ट जो चैप्टर थे उसके से बहुत कम पढ़ रहा था, और हम कई लोग उनको चैप्टर्स पसंद थे क्योंकि वो इजी भी थे मे बी, और लोग वो पढ़ते थे, बट उसका एग्जाम में पार्ट बहुत ही कम था, उसके स्कोर बहुत ही कम था, बहुत क्वेश्चंस कम आते थे। दैट मींस यू आर जस्ट बीइंग स्टूपिड अगर आप 80 मार्क्स का पेपर नहीं पढ़ रहे हो और आप लास्ट पढ़ रहे हो, तो दैट मींस यू आर बीइंग स्टूपिड। तो गाइस अब बात करते हैं दो प्रॉब्लम्स की जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की हैं सिड और मैंने। बेसिकली हमारी थ्योरी है, बट हमें लगता है कि बेसिकली यही दो प्रॉब्लम, इन दो में 90% मतलब सारी प्रॉब्लम्स इन दो में आ जाएंगी। एग्जैक्टली, सो पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ रेगुलेशन, जैसे हमने बात की कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है, ना बॉडी सबूत है, ना सर्टिफिकेशन सबूत है, ना कोई लॉज है। इंडीड इंडीड। सेकेंड पार्ट था लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, मतलब हमें फोकस एरियाज नहीं पता किसी चीज के, कि हम किस चीज पे फोकस करें, एंड दैट शुड बी द मेजर पॉइंट ओवर हियर। इस पॉइंट को मैं बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहूंगा इसी पॉइंट पे, क्योंकि यही पॉइंट को हम यहाँ बैठ के हिला सकते हैं, इसी पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? मे बी आप भी कॉम्पिटेंस ला सकते हैं, आपकी आपको एजुकेटेड कर सकते हैं हम लोग कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, हर चीज का एक प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है लाइफ के हर गोल का, और ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी, इन तीनों में भी चीजों को करने का एक प्रायोरिटी का ऑर्डर होगा। जैसे कि रिकवरी में आप देख लें कि अगर आप कोई टेढ़ा मेढ़ा सप्लीमेंट मार्केट में ढूंढ रहे हो जो रिकवरी इंप्रूव कर दे, पर अगर आपकी स्लीप ही पहले पूरी नहीं हो रही है, तो सप्लीमेंट लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। इसी तरह न्यूट्रिशन में आपकी डाइट के जितने भी डिफरेंट पहलू हैं, कितना फाइबर होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, या फिर उसमें कैलोरीज कितनी, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा फर्क आपके रिजल्ट पे किससे पड़ेगा, पर फिटनेस में लोगों को पता नहीं है कि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है। राइट, अगर उन्हें पता हो कि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है ट्रेनिंग में, न्यूट्रिशन में और रिकवरी में, तो मेरे ख्याल से पहली प्रॉब्लम अपने आप डील हो जाएंगी, और वो बेटर चॉइसेस खुद लेंगे मार्केट में, वो ऐसे प्रोडक्ट्स चूज नहीं करेंगे जो काम नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से अपने को प्रायोरिटी का ऑर्डर तीनों चीजों का एक करके कवर करना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री विद यू ऑन दैट 100%। तो वी हैव टू फोकस ऑन द बिग पिक्चर, जो सिद्धार्थ ने बोला कि वी हैव टू फोकस ऑन द बिग पिक्चर, कि हम 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे, हम 5 साल बाद क्या कर रहे होंगे, ना कि हम कि अभी क्या कर रहे हैं जो हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिले, कि अभी मे बी हम रोज एक्सरसाइज चेंज करते रहें, मे बी रेस्ट इंटरवल बहुत कम ले, पंप ज्यादा आ जाएगा, बट ये 10 साल में कैसी चीजें लगेंगी हमें। वी हैव टू फोकस ऑन द बिग पिक्चर, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, इन तीनों के अलग अलग पिरामिड्स हैं। दैट मीन्स पिरामिड इज लाइक दिस, आपने देखा होगा पिरामिड्स ऑफ गीजा, हम डाल देंगे अगर आपने नहीं देखा है। पिरामिड्स ऑफ गीजा ऐसा होता है ट्रायंगल के जैसे, 3D ट्रायंगल के जैसे, बट हम ट्रायंगल की तरह बात करेंगे। आप गीजा गए होगे? आप नहीं, मैं इंडिया से बाहर आज तक नहीं गया। मैं भी नहीं गया, मैं नेपाल और भूटान गया हूं। पैसे कमाएंगे तो जाएंगे। तो क्या होता है कि सबसे नीचे वाला पार्ट, मे बी नीचे वाला स्टेयर, दैट इज द फाउंडेशन पार्ट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फोकस मोर ऑन। सबसे नीचे वाला पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो स्टेयर्स या वैसे वैसे वो पार्ट छोटा हो जाएगा ट्रायंगल बनाने के लिए। अगर हम सबसे ऊपर वाले पार्ट पे फोकस, सबसे छोटा पार्ट वो है, ठीक है, तो उस पर मतलब सबसे कम फोकस करना है। अब हम वापस आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे, जो हमने पेन एरिया डिसाइड किए थे, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। इस चीज से हम प्रायोरिटाइजेशन को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे बड़ा पार्ट, मतलब सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे उसके ऊपर वाला पार्ट उससे कम फोकस करना है, उसके ऊपर कम कम कम, एंड सबसे जो ऊपर वाला जिस पे जो टोपा है हमारा उस पे सबसे ज्यादा कम फोकस करना। तो बेसिकली अगर अपने नीचे के दो पार्ट्स पता नहीं कि कौन से हैं, तो तीसरा चौथे की बात करने का पॉइंट ही नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं करता। सेट, अब लास्ट पार्ट वीडियो का, आई वांट टू कम टू एन एंड, समराइज प्लीज। तो आई थिंक हमने इस वीडियो में शुरुआत इससे की कि हम यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। तो बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ रेगुलराइजेशन, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। अब हम यहाँ बैठ के किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो है लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, लोगों को एजुकेट करके कि भाई प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है चीज़ों को करने का। राइट, और फिटनेस की ज़्यादा बात, उसके तीन बड़े पहलू हैं, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी। राइट, तीनों को करने का एक एक प्रायोरिटी का ऑर्डर है। एग्जैक्टली, और उसको आप बताते हैं पिरामिड्स। बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन पिरामिड के बारे में, न्यूट्रिशन, रिकवरी, ट्रेनिंग, बट सबसे पहले उठाएंगे न्यूट्रिशन को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, क्योंकि सब लोग खाते तो हैं, चाहे जिम जाते हो ना जाते हो। एग्जैक्टली, तो न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, बहुत ही अच्छा हुआ, एंड दैट इज आवर फर्स्ट वीडियो, थोड़ा फ्री स्टाइल किया हमने,
बट गाइज लेट अस नो कि कैसा फ्री स्टाइलिंग पसंद आ रही है, ये पॉडकास्ट कैसा पसंद आया, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीवन इज डूइंग इट इन इंडिया एंड वी हैव अ गुड बॉन्डिंग, सो आई थिंक वी कैन ट्राई दैट. अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा या आपको अच्छा लग भी रहा है, प्लीज कॉमेंट इट डाउन और मे बी शेयर इट विद समवन, उनसे पूछो. कॉमेंट में बात करते हैं गाइज. मैं कह रहा था गाइज की कॉमेंट में बात करते हैं. एक्चुअली बैटरी बीच में खत्म हो गई थी DSLR की, तो वो उतना पार्ट हम शूट नहीं कर पाए. बताइएगा कैसा लगा वीडियो, जैसा भी लगा बताइए अपने ऑनेस्ट ओपिनियन. एंड अच्छा लगा तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हमने प्लान कर रखा है. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे न्यूट्रिएंट पिरामिड की, न्यूट्रिशन पिरामिड की, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ से शुरुआत करेंगे. बहुत मजा आएगा. तब तक के लिए पीस आउट.